तो हमारा क्वेश्चन है 10 पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस x, और हमें इसे शो ऑफ करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल से हमें यूज करने हैं, जो नॉर्मली 10a प्लस b और 10a माइनस b हम यूज करते हैं, वही फॉर्मूला यहां पर लग जाएंगे। देखिए कैसे मैच करेगा, ये 10a प्लस b आपको दिख रहा होगा, तो ये सोचिए ये 10 है, ये a है, ये प्लस है, ये b है ना, यहां पर उस फॉर्मूले को हम 10a प्लस b के फॉर्मूले को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 10a माइनस b तो 10a माइनस b है ना, मैच कर रहा है, तो हम आराम से इस फॉर्मूले को यहां पर इधर नीचे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में हमने दोनों लिख लिए हैं जो हमको यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला है 10a plus b जो कि होता है इज इक्वल टू 10a plus 10b अपॉन 1 minus 10a + b। दूसरा फॉर्मूला है 10a minus b का, जिसे हम ओपन करते हैं तो आता है 10a minus 10b अपॉन 1 plus 10a + b। फॉर्मूला बिल्कुल आप देख लोगे मैच करता हुआ फॉर्मूला है। आप जब 10 a प्लस b करते हैं तो ऊपर भी 10a प्लस 10b होना चाहिए, लेकिन नीचे माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 10a टर्न भी हो जाएगा। अब जब आप 10a माइनस b करते हैं तो यहां पर आना चाहिए 10a माइनस 10b, यहां a माइनस b है तो यहां भी 10a माइनस 10b, वहां a प्लस b था तो ऊपर 10a प्लस 10b था, नीचे 1 माइनस 10a टर्न भी हो गया था, तो नीचे इस वाले केस में क्योंकि यहां पर a माइनस b है तो यहां पर 10a माइनस 10b ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे में 1 प्लस 10a भी हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला, इतना ज्यादा समझाने लायक भी नहीं है, लर्न करने वाला फॉर्मूला, आराम से इस चीज को लर्न कर सकते हो, अप्लाई करना है हमने। तो हमने देखा कि यहां पर हम लेते हैं, क्योंकि हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि दिस इक्वल्स टू दिस, तो हमें एक लेफ्ट हैंड साइड ले लेना चाहिए पहले, और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करके राइट हैंड साइड निकाल करके दिखाना है। तो हमने देखा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 10 पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस x, तो इजीली हम इसको ठीक है ना एक्सपैंड कर सकते हैं फॉर्मूले की मदद से, खोल सकते हैं इसको, ऊपर वाले को 10 a प्लस b की तरह और नीचे वाले को 10 a माइनस b की तरह इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करते हैं इसको, 10 a प्लस b तो 10 a प्लस 10 b, 10 a प्लस b 10 a प्लस 10 b तो 10 pi by 4 प्लस x तो 10 pi by 4 प्लस 10 x अपॉन 1 माइनस 10 pi by 4 इनटू 10 x। तो ये हमारा न्यूमरेटर ओपन हुआ है, सर न्यूमरेटर में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि 10 pi by 4 प्लस x है, तो यानी कि 10 a प्लस b के फॉर्मेट पे है, तो 10 a प्लस 10 b 1 माइनस 10 a 10 b की तरह हमने इसको एक्सपैंड किया, और 10 pi by 4 प्लस x था तो 10 pi by 4 प्लस 10 x अपॉन 1 माइनस 10 pi by 4 10 x। अब डिनोमिनेटर की बारी है, क्लियरली दिख रहा है 10 a माइनस b का फॉर्मेट है तो 10 a माइनस b के फॉर्मेट से ही ओपन होगा, तो 10 a minus b का फॉर्मेट हमें साफ दिखाई दे रहा है 10 a minus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b, तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 10 pi by 4 minus 10 x upon 1 plus 10 pi by 4 into 10 x, ये हमारा डिनोमिनेटर 10 a minus b के फॉर्मूले से एक्सपैंड हो गया, खुल गया। अब हमें पता है पाई बाय 4 होता क्या है, पाई का मतलब होता है 1 डिग्री में, ये तो रेडियन में है ना, पाई तो रेडियन में होता है, अगर हम डिग्री में बोले तो कितना होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, अगर आप 180 डिग्री को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा, और 10 45 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब हम वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करते हैं, तो 10 पाई बाय 4 क्या होना चाहिए, 1 प्लस 10x, ये 1 हो गया, ये प्लस ये 10x, ये 1 हो गया माइनस 10 pi by 4 फिर 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया माइनस 1
tanx। अब tan pi by 4 क्या होता है, ये तो न्यूमरेटर हो गया हमारा। अब ये tan pi by 4 क्या होता है, 1, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, और ये है tanx, 1 हो गया ये, फिर ये माइनस हो गया, ये tanx हो गया, 1 प्लस tan pi by 4, फिर वो tan pi by 4 1 हो गया, फिर ये tanx हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि 1 प्लस tanx, 1 माइनस tanx बन जाएगा ना, ये 1 से tanx को इंटू करेंगे तो tanx ही रहेगा यहां पर। तो ये 1 प्लस tanx न्यूमरेटर में ये ऊपर है, और ये 1 माइनस tanx इधर बन जाएगा। तो ये 1 प्लस tanx और नीचे बन गया न्यूमरेटर में यहां पर 1 माइनस tanx। ये जो न्यूमरेटर था उसके, ये दोनों है ना, न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर था, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर था। अब जो आपने देखा कि यहां पे डिनोमिनेटर भी था 1 माइनस tanx, और इस डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर था उसमें यहां 1 आया था ना, 1 tanx जब tanx ही रहेगा तो 1 प्लस tanx हो जाएगा, ये 1 प्लस tanx। अब आपको पता है कि जो हम मैथ्स लगाते हैं, हम मैथ्स में कई दफा क्या करते हैं, जब नीचे डिनोमिनेटर में दो नंबर्स होते हैं, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है जब, तो फ्रैक्शन से फिर उसको ऊपर ऐसे करके ला सकते हैं ना, अगर ऐसे हैं तो इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल रहे हैं, बस ये वाली बात होती है। तो ये डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन में होते हैं तो उन्हें न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई में लाया जाता है, और जब मल्टीप्लाई में आते हैं तो रेसिप्रोकल होकर के आते हैं। तो बस वही हम यहां पर अप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस tanx, 1 माइनस tanx, ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर अब मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस tanx और 1 माइनस tanx। देखो पहले डिनोमिनेटर में 1 माइनस tanx ऊपर था और 1 प्लस tanx नीचे था, लेकिन जैसे वो मल्टीप्लाई में आया तो 1 प्लस tanx ऊपर चला गया और 1 माइनस tanx नीचे चला गया। अब आपने देखा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेम चीज 1 प्लस tanx, 1 प्लस tanx, तो आपको पता है ये 1 प्लस 1 प्लस tanx का तो ये होल स्क्वायर हो गया क्योंकि सेम है, और नीचे भी वही हो रहा है 1 माइनस tanx, 1 माइनस tanx, तो 1 माइनस tanx का भी ये होल स्क्वायर हो रहा है। तो दोनों अगर होल स्क्वायर है तो एक साथ स्क्वायर में ले लेते हैं ना, तो एक साथ इसको स्क्वायर में ले लेते हैं, 1 प्लस tanx और 1 माइनस tanx का होल स्क्वायर। तो बड़े आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया, बस दो ही फॉर्मूले यहां पर हमको अप्लाई करने थे, एक इस वाले पे tan a प्लस b का फॉर्मूला जो कि यहां से हमने एक्सपेंड किया था, और tan a माइनस b का जो यहां से हमने एक्सपेंड किया था, और दोनों को एक्सपेंशन करके फिर हमने सॉल्व किया। tan pi by 4 को हमने जहां पर tan pi by 4 बनते थे वहां पर 1 लिया, और 1 लेने के बाद में फिर नीचे यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गए थे हमारे फ्रैक्शन के, और फिर हमने उल्टा करके मल्टीप्लाई किया था।